हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। ये तो सबकी फेवरेट होती है और बच्चों की तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। चलिए हम अपनी जो मैक्रोनी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 4 कप ऑफ वाटर ले लिया है। मैं यहाँ पर 1 कप ऑफ मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। हम इसको बॉईल कर लेते हैं। मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने से ये बहुत जल्दी से बॉईल हो जाती है और ऑयल ऐड करने से ये चिपकती नहीं है। मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ 10 मिनट्स के लिए। हम इसको बॉईल कर लेते हैं 10 मिनट्स बाद, देखते हैं कैसी बॉईल हुई है। ये अच्छे से बॉईल हो गई है, हम इसको छान लेते हैं। चलिए मैं अपनी जो मैक्रोनी है बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिली चॉप्ड ऐड कर रही हूँ। आप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैप्सिकम, ऑनियन, बीन्स एंड कैरेट ऐड कर रही हूँ। हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने अपनी वेजिटेबल्स को बहुत ही पतला पतला सा बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है। मैं इसको ढक के रख देती हूँ 5 मिनट्स के लिए। देखिए हमारी जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे से गल गई होंगी, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टमाटो चॉप टमाटो ऐड कर रही हूँ। हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगेन मैं इसको एक बार फिर दोबारा से ढक के रख देती हूँ, आप देख सकते हैं हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी गल गई हैं, एकदम परफेक्ट हो गई हैं। मैं यहाँ पर रेड कश्मीरी चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मैं यहाँ पर ये खाने वाला चिली पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर आता है मैं वो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मैं यहाँ पर टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी जो मैक्रोनी का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आया है। मैं यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपल जो रेड चिली पाउडर हम यूज़ करते हैं अपने खाने में वो ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपनी बॉइल्ड मैक्रोनी जो हमने बॉइल्ड करी थी, मैंने इसको छान के रख दी थी। हम इसको ऐड कर लेते हैं और हम इसको अब अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसे हल्के हल्के हैंड से अच्छे से मिक्स करते रहना है, बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है। जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ अपनी रेसिपी में वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लें। अगर आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे एंड फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप मेरे से पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं एंड जो हमारी मैक्रोनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। हमें इसे हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब चीज़ ऐड करने वाली हूँ। चीज़ टोटल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लाइक करते हैं तो आप ना ऐड करें, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर चीज़ ऐड करें। एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट टेस्ट आता है, एकदम यूनिक हमारा जो टेस्ट है वो आता है। तो आप लाइक करते हैं तो एक बार मैक्रोनी में चीज़ ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप देख सकते हैं। मैंने जो एक चीज़ क्यूब्स लिया था, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अमूल का कर सकते हैं या मोज़रेला चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख लिए मैं अपना जो सारा चीज़ है वो अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। और इसकी जो फ्लेम है वो आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। लो फ्लेम करके ही हमें इसमें चीज़ ऐड करना है। अभी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करा है, हमने बॉयल में जब हमने बॉयल करा था तब सॉल्ट ऐड करा था, अभी हमने सॉल्ट ऐड नहीं करा है। हम इसमें सॉल्ट ऐड लास्ट में करेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने जो इसमें पूरा जो चीज़ है वो ऐड कर लिया है। मैं इसको 3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, जिससे कि हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 मिनट हो गए हैं और हमारा जो चीज़ है कितना अच्छा परफेक्ट एकदम मेल्ट हो गया है। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो आप एक बार मेरे प्रोसेस से मैक्रोनी बना के ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ फीडबैक कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है वो कितनी लाइक करी जा रही है, कितनी पसंद आ रही है। आपका जो भी फीडबैक हो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे से क्या रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट डाउन करके आप बता सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हम लास्ट में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी चीज़ ऐड करा था, चीज़ के बाद ही हमें सॉल्ट ऐड करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा चीज़ में भी सॉल्ट होता है। इस रेसिपी से पहले मैंने आपके लिए एक चोकोलावा केक की रेसिपी शेयर करी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर बेल आइकन में दे दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख लें। आपको मेरी रेसिपी जैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताएं फीडबैक, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कितनी लाइक करी जा रही है। चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। आप इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, मैं गार्लिक स्किप करी है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ गार्लिक। देखिए मेरी जो मैक्रोनी है वो कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो आप एक बार मैक्रोनी बना के ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना के दें, खुद खाएं, घर में सबको बना के दें, और जो भी कमेंट डाउन जो भी आपका फीडबैक हो मुझे कमेंट डाउन करके बताएं। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ हमारी जो मैक्रोनी है वो कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।